हमका सहाबुद्दीन कहा थे, कहाँ हमका किम जोंग उन कहा थे, कहाँ सद्दाम हुसैन कहा थे, बताई कहाँ पैसे दिखाई थे, आज तक कैसे कौन काम है हमारा किम जोंग उन सहाबुद्दीन याद आई कहाँ पैसे सहाबुद्दीन दिखाई थे मोड़े से मोड़े तक सद्दाम हुसैन कहा सहाबुद्दीन कहा बताइए हमें कहाँ से सहाबुद्दीन दिखाई थे सद्दाम हुसैन। विधायक जी, मासूम जनता के ऊपर अगर शाहबुद्दीन सद्दाम हुसैन किंग जोंग बंदूक रखकर पूछे कि क्या वो शाहबुद्दीन किंग जोंग या फिर सद्दाम लगते हैं तो क्या बोलेगी? वो बोलेगी थोड़ी। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे विधायक की जिनके अब तक के किस्से ना तो सिर्फ सिमरिया नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। माननीय विधायक को खुद में ही नहीं नजर आ रहा कि वो जिन हस्तियों को अपने रोल मॉडल बनाकर तांडव किए हैं और जनता उनकी तुलना जिनसे करती है वही हस्तियां आज शायद पुनः जन्म लेकर विधायक के रूप में समक्ष नजर आ रही हैं। क्षेत्र में विधायक का खौफ इस प्रकार से है जैसे किसी मासूम को मारकर उसे रोने भी ना दिया जाए। सिमरिया के आम जनमानस में आत्मग्लानि चरम पर है। उन्होंने ऐसे विधायक को इतना महत्वपूर्ण पद कैसे सौंप दिया? विधायक के क्षेत्र में विभिन्न कृत्य करने के बाद भी अपना कॉलर ऊंचा कर क्षेत्र की भोली भाली जनता को उंगली दिखाकर विभिन्न आयोजनों में पूछ चुके हैं। उन्हें अभी भी संतुष्टि की जरूरत है कि क्या वो अपने आदर्श व्यक्तित्व शहाबुद्दीन सद्दाम किंग जोंग के बताए गए मापदंडों पर खरे उतरे हैं या फिर नहीं। सिमरिया के जनता अब यह सोचने को मजबूर है कि विधायक सत्ता के मद में इतना गुरूर और चूर कैसे है। उन्हें अब ये पूछते हुए तनिक भी संकोच नहीं लगता कि क्या मैं शहाबुद्दीन सद्दाम लगता हूँ या फिर नहीं। अगर कोई कमी रह गई है तो मेरे विचार दुराचार तो जनता वो भी बता दे ताकि मैं अपने तथाकथित आदर्शों को अपने अंदर पूरी तरह सम्मिलित कर लूँ। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि स्थानीय विधायक मानसिक रोग का शिकार हो चुके हैं जिसके तहत जब वो आईने में देखते हैं तो उन्हें वो किंग जोंग शहाबुद्दीन नजर आते हैं। अब ऐसा लोग क्यों कहते हैं ये तो वही जाने। और जो ये कटनहा बोलता है भरोसा नहीं किसको कब काट दे। और जो कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं तो डीएनए से पता चलेगा। अलाउद्दल तो हमारे ख्याल से छत्री थे और बनाफर कहते हैं उनको, तो क्या ये बनाफर हैं? हमने तो सुना त्रिपाठी हैं। शिवराज सिंह को खुद इस बात की जानकारी है कि केपी त्रिपाठी अपराधी विधायक उनके खुद गुट का है, उनका आदमी है और हमारे घर में जो है कब्जा किए हैं। माननीय जी, वो हमारे दादाजी के जमाने से वो मकान दादाजी लोग हमारे रहा करते थे। भोपाल से शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के बाद आकर यहाँ पर जो है ये होना सुनिश्चित हुआ। क्षेत्र की हजारों की संख्या में जो है उस घर प्रवेश के कार्यक्रम में लोग पहुँचेंगे। बहरहाल विराट 24 आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य आज पेश करने जा रहा है जिसे सुनकर और देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि स्थानीय विधायक के हाथ कानून से भी अधिक लंबे हैं और भारत का संविधान भारत का कानून उन पर लागू नहीं होता। तो स्थानीय विधायक के हाथ इतने लंबे हैं कि सरकारी कार्यालयों से जरूरी दस्तावेज अपनी सुविधा के अनुसार गायब करवा सकते हैं। मासूम लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं। किसी पर भी हमला करवा सकते हैं। अन्नदाता की कच्ची फसल पर बुलडोजर चलवा सकते हैं। और इनकी सबसे खास बात तो ये है कि अपने विरोधियों को खनकर गड़वाने के अलावा मन मुताबिक किसी को घर में घुसकर मारने तक की क्षमता रखते हैं। हाल में ही शराब दुकान साझेदारी का मामला आया था जिसमें साझेदार के साथ हुए शराब ठेकेदारी को लेकर आप देख चुके हैं कि किस तरह से विधायक जो कहते हैं वो करते भी हैं, किस तरह दूसरे ठेकेदार को गाली देते हुए विधायक ने घुसकर मारपीट भी की थी। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि सिमरिया विधायक ने दावा किया है कि वो आल्हा उद्दल के वंशज हैं, जिसे सुनकर विंध्य की जनता ही नहीं बल्कि मैहर तक के श्रद्धालु हैरान हैं। आइए आपको दिखाते हैं विधायक के तथाकथित दावे को। अन्ना मनी है तो फिर आल्हा उद्दल हम पूर्वज रहे हैं, फिर आल्हा उद्दल हम पूर्वज रहे हैं, फिर आल्हा उद्दल हम पूर्वज रहे हैं, फिर ठीका करें हम पचे जाने से आल्हा उद्दल जाऊं करें तो वह करब फिर घरे में घुस के हौसला तुम्हारा बुलंद है साले अपराधी। अच्छे की बात आपको तो कोई सुन ही नहीं रहा जबरदस्ती ऐसे नहीं बोली हम लोग भी कोई ऐसा नहीं कि रोड छाप तू क्या बात कर रहा है क्या बात कर रहा है
हमका शहाबुद्दीन कहा थे, कहा हमका किम जोंग उन कहा थे, कहा सद्दाम हुसैन कहा थे, बताई कहा कैसे दिखाई थे, आज तक कैसे कौनो काम है हमारा किम जोंग उन शहाबुद्दीन की। विधायक के तथाकथित बयान से बनाफर समाज के लोग जो अपने आप को वास्तविक वंशज मानते हैं वो काफी आक्रोशित हैं। इसके साथ ही छत्री समाज के लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक का डीएनए तक टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं छत्री समाज के लोगों का, जिनका मानना है कि विधायक ने क्षेत्र के छत्री समाज के लोगों के साथ गलत किया है, अब उनको साधने के लिए आल्हा उदल को अपना वंशज बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरभद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? रगौली। ये बताइए, आपके सिमरिया विधानसभा के जो विधायक हैं केपी त्रिपाठी जी, वो कहते हैं कि आल्हा उदल हमारे वंशज हैं, तो वो क्या आल्हा उदल कौन थे, कैसे वंशज हैं? आल्हा उदल जो हमारी जानकारी के मुताबिक तो आल्हा उदल बनाफर ठाकुर थे। अब बनाफर ठाकुरों में सबसे छोटा ठाकुर माना जाता है, और हमारे गाँव के बगल में नगर है, नगर और महोबा दो जगह वो निवास करते थे। और जो कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, तो डीएनए से पता चलेगा, डीएनए टेस्ट करा लो तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। आल्हा एक किताब लिखी, उसमें भी बनाफरों का जिक्र है, ओछी जात बनाफर की है जी। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ झूठा दिखाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए राजनीतिक, कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं इनका आल्हा, कोई रिश्ता नहीं। अगर है तो कैसे पता चलेगा? डीएनए से। कि वंशज अपने को बताने लगे विधायक, विधायक जी दो तीन ठाकुरों के साथ अन्याय, जैसा कि पहले मैं जी, मेरे साथ तो तहसीलदार से पैसा लेकर उनका धर्मेंद्र, एक उनका निजी पीए थे, वो पैसा लेकर और हमारे गांव की ज़मीन को उन्होंने, तो हमारे ऊपर तहसीलदार और एसडीएम से मिलकर, और हमारे ऊपर झूठा प्रकरण तहसीलदार के द्वारा कराया गया था और फिर जिला बदर कराया गया था। तो दूसरा रामेश्वर सिंह बरहा के ऊपर फर्जी मुकदमा, उनके सिकट्टी तो मैं नहीं वकील करा के हाई कोर्ट से उन्होंने बरी हुए हैं, मुकदमा झूठा निकला। तीसरा आपके जो कटाई का चला है, तो कटाई में वो लोकेश सिंह भी ठाकुर समाज से आते हैं, तो उनका भी खेत जेसीबी विधायक हुए, लेकिन बहुत विधायक हमने देखा, लेकिन फसल अगर सरकारी में थी तो उसको राज साथ कर लेते, कटवा लेते, लेकिन जैसी भी चलाना फसल में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो छत्रियों के साथ अन्याय हुआ, जिससे नाराजगी थी, तो क्या उसी को पाटने के लिए अब ये जा वंशज बताने लगे? ये तो अब वो ही बता सकते हैं, लेकिन असलियत तो ये ब्राह्मण है और ठाकुर ही कैसे हो सकते हैं? पार्टी है, हाँ। वो कहते हैं कि हम आला उदल के वंशज हैं, हाँ। हम घर में घुस कर मारेंगे। आप आज 90 साल के हो गए, सिमरिया क्षेत्र के हैं, हाँ। क्या मानते हैं कि आला उदल कौन से वंशज के थे, और ये किस तरह से कह रहे हैं, कैसे इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों कह रहा है ये आला उदल के? ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आला उदल ने जिंदगी भर संघर्ष किया ईमानदारी के लिए, वो ठाकुर का वंशज था, छत्री था, छत्री का ये धर्म था कि वो किसी की रक्षा करे, ये बिल्कुल गुंडा अपराधी आदमी है, ये उजाड़ने में, लूटने में, डकैती डालने में ठीक उसके विपरीत काम करने वाला व्यक्ति अपने को शर्म नहीं आती है, कहता है कि हम आल्हा उदल के वंशज हैं। काहे को आल्हा उदल के वंशज हो? तुम दूसरे की संपत्ति हड़पते हो, लूटते हो, डकैती डालते हो, तुमको तो वहाँ रहने के लिए, मुँह दिखाने के लिए एक मिनट नहीं रुकना चाहिए हमारे घर में। जैसा कि सब लोग आज संसार में, भगवान राम ने कहा है कि लोग अपवाद से बढ़ के संसार में लक्ष्मण को कोई अपवाद नहीं है, जब लंका के विजय करके सीता को लेकर आए तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो सीता जी को यहाँ से वो करो, और अपने आगे कोई भी चर्चा करे, गलत चर्चा करे, वो चर्चा सबसे बड़ा गड़बड़। अब इसको सब चोर कहते हैं, पूरी दुनिया चोर कहती है कि शिवराज सिंह को और कोई आदमी नहीं मिला था, यही बेईमान मिला था विधायक बनाने के लिए, तो सिमरिया क्षेत्र के ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया इसको। अब आज सिमरिया क्षेत्र की पूरी जनता त्राह त्राह कर रही है, इसके नाम से कांप रही है। ये आता है तो अपराधियों के घर में अड्डा बनाए है, बस वहीं रुकता है, वहीं खाता है, पीता है, चुप्पे से चला जाता है। शराबी बनाओ, युवा पीढ़ी को बर्बाद करो और अपना उल्लू से। सिमरिया विधायक की अगर ज्ञान की बात करें तो विधायक जी 50 लाख की राशि देकर 32 लाख में उत्तम कार्य कराने में सक्षम है। तो कभी
कभी कहते सुने जा सकते हैं कि हमारे अब ऐसे दिन आ गए हैं कि युवाओं को शराबी बनाओ, युवा पीढ़ी को बर्बाद करो और अपना उल्लू सीधा करो, जो जमकर सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहे हैं। अब हमारे दिन आ गए हैं, शराबी बनाओ, युवा पीढ़ी को बर्बाद करो और अपना उल्लू से। विधायक ने से 50 लाख रुपए देकर 32 लाख रुपए की लागत से सुलभ शौचालय भव्य जैसे रीवा में बनते हैं। अगर विधायक के फेसबुक पेज की चर्चा करें तो विधायक की मानसिक स्थिति का भी अंदेशा लगता है। कई बार इनके पोस्ट में सिमरिया के साथ साथ उमरिया को विधायक तो कभी किसी वर्षी के कार्यक्रम में पहुंचने पर मौत की श्रद्धांजलि की बात लिखी जाती है, जिसे सुनकर क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले के लोग ठहाका लगाते हैं। जिनको हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, आपको बता दें कि विराट 24 न्यूज ने प्रमुखता से पहले ही हर्रई निवासी रामकुमार पांडे परिवार की पीड़ा को दिखा चुका है, जिसमें श्री पांडे पत्रकार वार्ता कर विधायक केपी त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि किस प्रकार से विधायक ने उनके खून पसीने की कमाई से बना अमहिया स्थित आवास से उन्हें बेघर कर दिया और अवैध कब्जा कर लिया। उस खबर को देखने के लिए आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। पांडे जी, आपका रीवा में चंद्रलोक होटल के पीछे आवास था। जी हाँ, हमारा केपी त्रिपाठी जो विधायक है सिमरिया कब्जा किए हैं। हाँ, आपने पत्रकार वार्ता भी की थी। हाँ, एक हमारे पास कागज आया है। हाँ, उस समय कह रहे थे कि मैंने कब्जा नहीं किया है। हाँ, न्यायालय ने आदेश दिया था इनके खिलाफ 50,000 का जुर्माना। हाँ, तो उस समय कह दिया कि मैं वहाँ का निवासी नहीं हूँ, मैं हरदी का रहने वाला हूँ। हाँ, लेकिन आज भी आपके मकान में कब्जा किया है। हाँ, तो आगे क्या कहेंगे और क्या करेंगे आप? डिस्टर्ब थोड़ा सा खारिज हो गया, एक पक्षी हो गया है। उस मुकदमे को हम खड़ा करने के लिए वहाँ हाई कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। बीच में हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया कई वर्षों से, तो हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी तबीयत गड़बड़ है इस समय, हम 90 साल के उम्र के हैं और इस कारण से हम पैरवी करने में भी मजबूर हैं। और जो वह केपी त्रिपाठी गुंडा और अपराधी आदमी है, जिसके भय से हम रीवा के मकान में कब्जा करना और वहाँ रहना कि हिम्मत हमारी नहीं हो रही है, क्योंकि रहेंगे मारपीट करेंगे, सरकार उनकी है यहाँ से वहाँ तक तमाम सब। राजेंद्र शुक्ला उनका बहुत खास आदमी है, जो अभी तक मंत्री रहा, उसका दबाव इतना अधिक है रीवा में कि जिसके दबाव के कारण से साधारण आदमी हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी लोग तो सब वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, हम क्या करें। वहाँ हमको रहने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था भी हमारे पास नहीं, हमारे लड़के बच्चे सब छोटे हैं, नाती हमारे छोटे हैं, वहाँ अपराधियों का अड्डा है, उनके पास जितने हैं सब अपराधी हैं आगे पीछे, हम क्या करें। आज हम कई वर्षों से वहाँ रीवा जा नहीं पा रहे हैं, हम रहने से वंचित हैं। हमारा जो सामान रखा था वहाँ लाखों रुपया का, उस सबने सब सामान को उसने निकाल लिया और सब अपने कब्जे में कर लिया। अब हम कर क्या सकते हैं, सरकार बिल्कुल पंगु है। चौहान जो है, हाँ, बुलडोजर चलाकर भूमाफियाओं को नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं। हाँ, और आपके घर में खुद उनका विधायक कब्जा किया हुआ है, तो क्या कहना हाँ, चाहेंगे विधायक मुख्यमंत्री? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है जिस बात को आप पूछ रहे हैं हमसे। शिवराज सिंह को खुद इस बात की जानकारी है कि केपी त्रिपाठी अपराधी विधायक उनके खुद गुट का है, उनका आदमी है, और हमारे घर में जो है कब्जा किए हैं, जिसकी जानकारी हर आदमी को है। उसको तो सबसे पहले सब कामों को छोड़ करके राजनीति
नैतिक भावना को अलग करके हमारे मकान को खाली कराना चाहिए। हमारे बाल बच्चे आज अपराधियों के भय से यहाँ तक कि गांव में भी हम लोग डरे हैं कि उसके लंबे हाथ हैं, अपराधी है, पता नहीं कि हमारे घर में यहाँ भी अटैक कर सकता है। रीवा में तो हमको रहना बड़ा कठिन है। शिवराज सिंह को पहला काम यह करना चाहिए कि इसमें उनके पास यदि एक पैसे की भी नैतिकता है तो सबसे पहले उनको केपी त्रिपाठी को अपने दल से अलग करना चाहिए या कि हमारे मकान से उसको अलग करके हमको कब्जा देना चाहिए। हाँ, विधायक एक तरफ लिखित देता है हाँ कि हमारा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है हाँ, मैं हरदी का रहने वाला हूँ हाँ, ये बात तब कही है हाँ, जब उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ अवैध निर्माण को लेकर हाँ, आपके ही मकान के पास हाँ, तो क्या मानते हैं कि एक तरफ कह रहा है कि मेरा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे तरफ कब्जा भी किया है, आपको जाने नहीं देना चाह रहा, तो क्या है? सुनिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे बेईमान आदमियों को वो प्रसाद दे रहे हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसके बाबा भगवत का, उसके पिता कमलापत का, इनका सबका रिकॉर्ड है। और क्या वो उस औलाद के उस परिवार का सदस्य नहीं है जिसको सब जानकारी है उस मकान में रह रहा है? कानूनी जानकारी है सब। कानून से बचने के लिए सारे शब्द वो कह रहा है कि हमारा मकान नहीं है, ये है वो, लेकिन पकड़ में तो 420 का मुकदमा इसके ऊपर चलना चाहिए, बेईमानी का केस चलाकर के ऐसे दूषित लोग इनके पार्टी में रहेंगे तो ये पार्टी कितने दिन और किस तरह से चल पाएगी, लोगों के सामने इनका क्या नजरिया रहेगा? बिजली का बिल इनके नाम से है, बिजली का जो कनेक्शन होता है हाँ, वो भी केपी त्रिपाठी के नाम से है आपके मकान में। लेकिन देखिए ये बहुत साफ बात है, यही तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रमाण है कि राजेंद्र ऊर्जा मंत्री रहा, ऊर्जा उनके गुट का ये आदमी है तो वो काला पीला जो भी चाहे कर सकते हैं, और जिसके कारण से राजेंद्र ऊपरी ढांचा चाह जो दिखा मैं अंदर इतने खोखले हो चुके हैं कि लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आज वो समाज में मुँह दिखाते हैं। जब भैया लाल शुक्ला के वो लड़के हैं, परमा का व्यापार करके वो इतने बड़े आदमी बने और आज चोरी चमारी करके और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गृह प्रवेश करना चाहेंगे कि आपका घर है? हम सुनिए, बहुत अच्छा विषय है आपका, बहुत अच्छी आपने जानकारी हमसे चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कि मेरा ये शरीर फौलाद का नहीं है, हाड़ मांस का बना है। वहाँ जाएंगे, मारपीट करेंगे, कत्ल कर देंगे, फिर कानूनी अड़चन के बीच में क्या हमारी स्थिति होती, हमारे बाल बच्चे सब बेकार हो जाएंगे, इस भय से हम उस मकान में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि मेरी मदद करे, कलेक्टर मदद करें, तमाम सब मदद करें, और हम वहाँ जाने के लिए तो क्या है, सब जंगल में हमारे बाल बच्चे परिवार पर परेशान हैं, हम तो आज रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब क्या करें, वहाँ पड़ोस के लोगों से पूछ लीजिए, हम आज 4-6 साल 10 साल से वहाँ गए नहीं, केवल इनके भय से। कितने की संपत्ति है आपकी वहाँ पड़ी है, कैसे आई थी, कब की, कितने पूर्वजों की है वो? हमारे वहाँ संपत्ति आज के समय में 50 करोड़ की है, 50 करोड़ की। वहाँ एक विश्वराघव जी का मंदिर है जो हमारे बाबा परपाजा बाबा का बनवाया हुआ है, वो सब खल्त मल्त हो रहा है, तमाम सब पूजा आराधना से हम वंचित हो रहे हैं, तमाम सब जो हमारे और इधर उधर के लोग हैं और जो हैं उनको भी मिला चुला करके ये सब रखा है, और हम उम्र 90 साल की है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे द्वारा इस मामले को उठाने के बाद समाज के त्रिपाठी से पीड़ित कुछ लोगों ने अहम दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं जिनकी सच्चाई हम आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये जो दस्तावेज हमारे हाथ में है इन्हें आप टीवी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। जी देखिए, दरअसल हर्रई निवासी राम कुमार पांडे का घर अमैया स्थित चंद्रलोक होटल के पीछे स्थित है जहां किराए से रहने वाले विधायक केपी त्रिपाठी के पिता ने हथिया लिया था। होश संभालते ही विधायक केपी त्रिपाठी ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि पीड़ित अपना घर द्वार छोड़कर गांव चले गए। पहले हम आपको बता दें कि राम कुमार पांडे एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ विधायक ने जाति की है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि भाजपा की नींव रखने वाली राजमाता सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, यमुना प्रसाद शास्त्री जैसे लोगों का साथ करने वाले जनसंघी थे जो आज बेबस है, लाचार है और बहुत कुछ कहते और करने की इच्छा रखते हुए भी मजबूर है। कैसे आप राजनीति में रहे और कैसे रीवा में रहे, थोड़ा सा बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये बड़े महान प्रश्न, आपके प्रश्न का महानता इस बात से है कि आपने कम से कम हमारे जीवन के
जो भी भविष्य में और माने आने वाले उसके बारे में जो बातें होगी उस पर आपने प्रकाश डाला है। हम देखिए कुल मिलाकर सीधे साधे किसान थे, किसानी का काम खेती पाटी का काम करते थे। हम पंचायत में पहला चुनाव लड़े जब विंध्य प्रदेश पंचायत कानून एक्ट था, उस समय लड़े और हाथ उठाकर लोगों को मत देना था। लोगों ने इस इलाके के 45-46 गांव थे, सब लोगों ने कहा कि राम कुमार पांडे ही सबसे उपयुक्त इस इलाके का सरपंच होगा और सब लोगों ने हमको स्वीकार किया और हमको सरपंच बनाया। फिर दूसरी दफे पंचों द्वारा हुआ, फिर हम सरपंच हुए, तीसरी दफे फिर हुआ, फिर हम सरपंच हुए, फिर जनता द्वारा हुआ तो हम पाँच दफे हम सरपंच हुए। उसके बाद हम बैंक में, हमको ज़बरदस्ती वहाँ बुलाया गया, चुनाव लड़े और हम बैंक कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद जब हमारी अच्छी खासी शोहरत थी तब इन्होंने मेरा उपयोग किया और हमारे पास आए मणिराज सिंह ठाकरे जी और रामहित्र गुप्ता और उन्होंने कहा राजनीति में आप प्रवेश आइए और हम आपको मदद करेंगे। प्रश्न ये हुआ कि हमने कहा चलो अच्छा है, ये अच्छे लोग हैं, हम इनके साथ में रहेंगे। रहने के बाद जब इनके गुण दोष को हमने देखा और इन सब समझा तो हमको लगा कि ये अच्छे आदमी नहीं है। एक दफ़े हम 72 में चुनाव लड़े, उस चुनाव में शास्त्री जी का यहाँ काफ़ी शोहरत था, अच्छा उनका जमाना था। शास्त्री जी ने हमको कहा कि आप चुनाव में हमसे टक्कर ले रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और राजमणि पटेल को 72 में कांग्रेस से टिकट मिला तो राजमणि को कहा कि ये तो बल का बकरा है, ये कुछ नहीं का। हम कहा देखो अब बल का बकरा देवी के सामने जब जाता है तब उसकी कीमत का पता चलता है, अब चलो मैदान में हैं देखें। तो मैदान में आए दोनों तो हम भी चुनाव हार गए और शास्त्री भी हार गए। राजमणि पटेल 72 में विधायक बनकर भोपाल पहुंच गया। आप किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? हम उस समय जनसंघ पार्टी थी और जनसंघ के नेता कुशाभाऊ ठाकरे थे और कुशाभाऊ ठाकरे ने आकर के हमसे कहा कि आप हमारी मदद करिए। हम असंघ का कार्यालय मेरे घर में था, इमरजेंसी में वो छत छोड़ छाड़ कर भाग गए और फिर कलेक्टर ने उस कार्यालय को सील कर दिया और कार्यालय जब वो हुआ तो खाली करके हमारे कब्जे में दिया। उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास में है, मुकदमा दीवानी फौजदारी सब चला और ये सब। तब से ये लोग हमारे पीछे पड़ गए और कहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं आते हो तो हम आपको मिट्टी में मिला देंगे। जिस जनसंघ की नींव आप हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से तैयार हुई उसकी नींव आप हैं और उसी का भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने से, देखिए एक महत्वपूर्ण बात आपको हम बताते हैं आपके प्रश्न का। इस इलाके के लोग कहते हैं कि राम कुमार पांडे जनसंघी है, आवाज वही लोग सब जनसंघ के साथ में हैं और हमको अलग थलग रहकर, क्योंकि उसकी नींव हमने गाड़ी हर गांव में हमारे 10-20 लोग थे सबको हमने शामिल किया। आवाज ये सब वही मजा कर रहे हैं, यद्यप आज गाली दे रहे हैं उनको केपी त्रिपाठी को कि आप सही हैं और ये सब बेईमान हैं, अब इनके साथ में हम अगले पीरियड में कोई नहीं रहेंगे। और धीरे धीरे इनका पर्दाफाश हो रहा है, इनको कोई चाहने वाला नहीं है और केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली कहावत जो है वही चल रही है। केवल आपसे बता मैं, हमने इस क्षेत्र में इनको जन्म दिया, नहीं इनको कोई यहाँ बैठने नहीं देता था और कोई काम करना तो दूर रहा। संघ की शाखाएँ चलवाई, तमाम सब किया, दुनिया भर का काम किया, सिमरिया में तमाम सब लोग तैयार किए और जिनके बल पर फिर वो धीरे धीरे यहाँ की राजनीति। आप अभी तो ये भी लोग कहने लगे कि कैसे आप जनसंघ में थे, हाँ। तो क्या प्रूफ देंगे? आज भी अगर कोई पूछता है कि आप जनसंघी हैं, आपने नींव रखी है, हाँ, तो क्या है कुछ आपके पास प्रमाण? अरे ये जो ये खुला है, इनके यहाँ एक कमेंट्री हॉल है, कमेंट्री किताबें हैं, हर साल किताबें छपती हैं और उस किताब में हमारा किस संबंध ने कौन सा अध्यक्ष चुनाव लड़ा है, कितने वोट पाया है, सब इनके पास मौजूद है। भोपाल में जाकर के कोई इनके कमेंट्री हॉल में हमारा पूरा हाल चाल जान ले और नहीं है तो हम साथ में चलेंगे, दिखा देंगे वहाँ। कुल मिलाकर के देखिए ये बात छिपा पेपरों में है, वैसे नहीं है, पेपरों में है, इनके रिकॉर्ड में है, कलेक्टर के पास है। क्या कोई छिपी चीज़ है? ये तो लोकतंत्र में ये तो इसका पूरी बुनियादी ताकत है, चुनाव लड़ना। सुना आपने, राम कुमार पांडे
साधारण व्यक्ति नहीं था, भाजपा की नींव रखने वाले थे, लेकिन उनके साथ इतनी ज्यादती हुई कि आज वो गिरे घर में विधायक के डर से किसी तरह से जीवन यापन करते हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रीवा कलेक्टर और विधायक राजेंद्र शुक्ला से उन्हें अब आशा लगी है कि अपने खोए घर में उन्हें फिर से गृह प्रवेश मिलेगा। इसके लिए उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय लोगों से मदद की भी गुहार लगाई है और शीघ्र ही अपने घर में प्रवेश करने की बात भी कही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि रामकुमार पांडे आखिर क्यों गृह प्रवेश करने की बात कर रहे हैं। दरअसल हमारे हाथ में जो दस्तावेज हैं, ये सिद्ध करते हैं कि विधायक केपी त्रिपाठी रामकुमार पांडे के घर में अवैध रूप से कब्जा किए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर रामकुमार पांडे के पड़ोस में रहने वाले एसएन सन्याल परिवार की बेटी मृदुला रानी सन्याल ने आरोप लगाया था कि उनके घर के सामने पुराने मोटर वर्कशॉप के सामने केपी त्रिपाठी, जो तत्कालीन जनपद अध्यक्ष थे, इनके द्वारा अवैध शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत होने के बाद तहसील न्यायालय ने विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगा दिया। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि विधायक किसी भी प्रकार के दस्तावेज, किसी भी प्रकार के बयान को परिवर्तित करने में सक्षम है। विधायक ने अपने चहेते वर्तमान में सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री, जो कि तत्कालीन एसडीएम थे, उनकी अदालत में उस आदेश को चुनौती देते हुए अपील किया। इसमें एसडीएम ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी नायब तहसीलदार के आदेश को झूठा साबित कर दिया और अपने आदेश में यह लिख दिया कि अपिलॉन्ट वर्तमान में जनपद पंचायत रीवा का अध्यक्ष है। शिकायतकर्ता के द्वारा राजनीतिक द्वेष के बस अपलॉन्ट के विरुद्ध झूठी शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता की झूठी शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के प्रभाव में आकर बिना किसी विधि स्थापित प्रक्रिया का पालन किए कार्रवाई करके पितृपाठी के विरुद्ध अवैधानिक आदेश पारित किया गया, जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने के योग्य है। हम आपको बता दें कि एसडीएम ने माना कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने मौका मुआयना नहीं किया, पंचनामा नहीं बनाया, गवाहों के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में ये जो दस्तावेज हैं वो बता रहे हैं कि जांच अधिकारी की मौजूदगी में पंचनामा बनाया गया। राजस्व निरीक्षक की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया हुई, जांच की गई और नायब तहसीलदार ने अपने आदेश में लिखा कि केपी त्रिपाठी के विरुद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट में मेरे द्वारा जो पेश किया गया है वह सही एवं सत्य है। अनावेदक केपी त्रिपाठी, पिता कमलापति त्रिपाठी, निवासी चंद्रलोक होटल के पास रीवा में नजूल के प्लाट नंबर 3488 का अंश रकवा 100 वर्ग फीट पर नया शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। अतिक्रमण रिपोर्ट भी साथ में संलग्न की और अपना हस्ताक्षर किया, लेकिन एसडीएम ने उसे झुठलाते हुए अपने आदेश में लिख दिया कि केपी त्रिपाठी का पुराने चंद्रलोक होटल के पीछे पांडे निवास के पास से कोई लेना देना नहीं है, ना तो वहां के वो रहने वाले हैं और ना ही उनका यहाँ से कोई वास्ता है। केपी त्रिपाठी हरदी के रहने वाले हैं, जिनका वोटर आईडी वहीं से बना है और जनपद अध्यक्ष है। 50,000 के जुर्माने की राशि के विरुद्ध किए गए अपील को निरस्त कर दिया गया। सबसे बड़ी चालाकी ये की गई कि एसडीएम के द्वारा ये लिख दिया गया कि राजस्व निरीक्षक नजूल के द्वारा स्थल पंचनामा में शिकायतकर्ता और उसके पिता के हस्ताक्षर कराए गए, अन्य लोगों के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है। यह हस्ताक्षर किस व्यक्ति के है, प्रस्तुत स्थल पंचनामा भी प्रथम दृष्टया कूट रचित प्रतीत होता है। राजस्व निरीक्षक नजूल ने अपने स्थल पंचनामा प्रतिनिवेदन में यह उल्लेख नहीं किया कि किसके पूछने पर उन्हें पता चला कि निर्माणाधीन शौचालय किसके द्वारा बनाया जा रहा है। मात्र शिकायतकर्ता के कहने पर राजस्व निरीक्षक मान लिए कि केपी त्रिपाठी के द्वारा उक्त शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से की गई अपील सिद्ध हो जाती है। अब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से की गई अपील से सिद्ध हो जाता है कि विधायक ने अवैध रूप से शौचालय का निर्माण किया और किस तरह से उस मामले को उल्टा घोषित करवा दिया। अब हम आपको बता दें कि केपी त्रिपाठी के द्वारा कहा गया कि उनका चंद्रलोक होटल के पीछे पांडे निवास से कोई लेना देना ही नहीं है, वो हरदी गांव के रहने वाले हैं, यहीं से इनका वोटर आईडी कार्ड बना है और यहीं से उन्होंने चुनाव जीतकर जनपद सदस्य भी बने, जनपद अध्यक्ष बने। उनके इस बात को झूठा साबित करने के लिए सबसे बड़ा प्रूफ विराट 24 के हाथ लगा है, जो केपी त्रिपाठी के नाम से लगा हुआ बिजली के बिल का कनेक्शन है और जिसका बिल मेरे हाथ में है।
इसे भी वो झुठला सकते हैं कि उनके नाम से किसी ने बिजली का बिल बनवा लिया हो। लेकिन आपको बता दें कि केपी त्रिपाठी ने अपने जिस मोबाइल नंबर 9827265178 के आधार पर बिजली का कनेक्शन लिया है, जो कि केपी त्रिपाठी जी के नाम से है, क्या बिजली विभाग ने किसी भी कनेक्शन को किसी दूसरे के नाम से कर दिया और मोबाइल नंबर इनका लिख दिया? तो आप बता दें कि मेरे हाथ में जो दस्तावेज है, जो विधानसभा निर्वाचन नामांकन में केपी त्रिपाठी ने उसी मोबाइल नंबर का जिक्र किया है, तो आपको बता दें कि मेरे हाथ में वो दस्तावेज भी है जो विधानसभा निर्वाचन नामांकन में केपी त्रिपाठी ने उसी मोबाइल नंबर का जिक्र किया है तो आपको बता दें कि मेरे हाथ में वो दस्तावेज भी है जो विधानसभा निर्वाचन नामांकन में केपी त्रिपाठी ने उसी मोबाइल नंबर का जिक्र किया है। फिर भी अगर मान लें कि केपी त्रिपाठी रामकुमार पांडे के घर में कब्जा नहीं किए हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के रामकुमार पांडे को गृह प्रवेश कराना चाहिए और स्वयं उन्हें उनका अधिकार दिलाना चाहिए। अब आइए आपको सुनाते हैं रामकुमार पांडे ने अपना आवास पाने के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ी और आगे क्या कहा। फिर हम आपको सुनाएंगे उक्त मामले में विधायक केपी त्रिपाठी का और क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से हम ये चाहते हैं, ये जो कानून का ढोंग उन्होंने दिखाया है कि हम माने किसी का कि नाजा संपत्ति पर नाजायज कोई कब्जा कर रहा है, किसी की संपत्ति को कोई लूट रहा है, ईमानदारी से हम उस संपत्ति को उस व्यक्ति के कब्जे में देना चाहते हैं। सबसे पहले उदाहरण स्वरूप ये प्रमाण है कि वो हमारे मकान को खाली करके हमको कब्जा दें और हमको वहाँ रहने के लिए अनुमति दें, सरकारी सहायता करें, तब माने कि शिवराज सिंह का ये जो नाटक चल रहा है सही है, नाटक नहीं है, नहीं तो एकदम नाटक है। सुना आपने, रामकुमार पांडे पुराने जनसंघी है जिन्हें विधानसभा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने बेघर कर दिया। इस मामले को लेकर जब हमने विधायक जी से बात की तो विधायक केपी त्रिपाठी ने उल्टा रामकुमार पांडे पर ही आरोप लगा दिया कि रामकुमार पांडे के द्वारा हररई में 19 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसे वो आदिवासियों को दिलाना चाहते हैं, जिसके डर से रामकुमार पांडे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनाते हैं केपी त्रिपाठी ने क्या कहा है, इसके बाद आपको सुनाएंगे कि उक्त मामले में रामकुमार पांडे का क्या कहना है। जी, अभी आपके ऊपर ये आरोप है कि आपके द्वारा किसी ब्राह्मण परिवार का सिमरिया क्षेत्र के ब्राह्मण परिवार का कब्जा कर लिया गया, उस वाले में क्या मामला? वो आज के विषय की बात करिए, आज के विषय इसमें दे दो। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है जिनकी आप बात कर रहे हैं, माननीय जी, वो हमारे दादाजी के जमाने से वो मकान दादाजी लोग हमारे रहा करते थे और जिन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने 19 एकड़ जमीन आदिवासियों की सरकारी जमीन कब्जा कर रखी है और शासन वहाँ कार्रवाई कर रहा है वो इलाज करने की, इसलिए वो भड़बड़ी में। अब इस मामले में रामकुमार पांडे ने क्या जवाब दिया है, आइए वो भी सुनाते हैं। ये विधायक केपी त्रिपाठी का कहना है कि आप इसलिए यह बात उठा रहे हैं कि आपके घर में कब्जा किया है क्योंकि आप आदिवासियों की 19 एकड़ जमीन में कब्जा किए हैं और वो केपी त्रिपाठी उसको दिलवाना चाहे थे, ये क्या मामला है? ये बहुत अच्छा विषय, आपने बहुत प्रश्न बढ़िया है आपका। न्यायालय इस बात के साक्षी है, भगवान दीन कोल का एक मुकदमा हमारे खिलाफ, भगवान दीन के खिलाफ हमने दायर किया है, उसमें दो अदालतों से भगवान दीन मुकदमा हार चुका है, तहसीलदार को आदेश हुआ है कि मौके पर चल के वहाँ नाप करके और रामकुमार पांडे की ज़मीन को देखें कि सच्चाई कहाँ है, जिससे कारण से केपी त्रिपाठी उनकी मदद के लिए बल्कि तहसीलदार को रोक रखा है। मजिस्ट्रेट कहता है कि हमने ऑर्डर भेज दिया है जाँच के लिए, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और आदिवासियों को हमने खुद ज़मीन अपने पट्टे की निजी कब्जे की दे रखी है, आदिवासियों की ज़मीन लेने के लिए मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो आदिवासियों और हरिजनों की हमेशा मददगार रहा जिनके बल पर मैं आज राजनीति कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा। और वो इनको देखना नहीं चाहते हैं, के पी त्रिपाठी को बेईमान घोषित कर चुके हैं, बेशर्मी की बात है कि मीडिया के सामने कुछ भी कह सकते हैं। सुना आपने किस तरह से रामकुमार पांडे के घर में कब्जा किया गया और जब अवैध निर्माण किया जा रहा था तब पड़ोसी सन्याल परिवार ने ही शिकायत की तो विधायक के पी त्रिपाठी ने अपना पता हरदी गांव बताकर ये दावा पेश कर दिया कि वो तो अतिक्रमण करने वाले के पी त्रिपाठी हैं ही नहीं जिनके द्वारा कब्जा किया गया। इतना ही नहीं, एसडीएम ने भी अपने आदेश में लिख दिया कि अतिक्रमण तो किया गया है, अतिक्रमण तोड़ा जाए लेकिन वास्तविक अतिक्रमणकारी की पहचान की जाए। जबकि शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच हुई
जांच प्रतिवेदन दिया गया, 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बिजली का बिल अगर विधायक केपी त्रिपाठी के नाम से है तो निश्चित तौर पर विधायक केपी त्रिपाठी ने कब्जा किया था और अतिक्रमण किया था। और अगर विधायक केपी त्रिपाठी राम कुमार पांडे के घर में कब्जे नहीं किए हैं तो उन्हें राम कुमार पांडे को गृह प्रवेश करवाना चाहिए, जो कि वो आने वाले समय में करने वाले हैं। अब हम आपको सुनाते हैं क्षेत्र के लोगों को कि उनका अपने विधायक के संबंध में क्या कहना है, जिन्हें सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से क्षेत्र के राम कुमार पांडे ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी प्रताड़ित किया गया है और अब लोग उन्हें कटनहा विधायक कहने लगे। मेरा नाम विष्णु प्रताप शुक्ला, जी सिमरिया विधानसभा के रहने वाले हैं। जो विधायक हैं कैसे हैं, उनके कार्यकाल रहा अभी तक का और कैसे लोग यहाँ से उनसे खुश हैं? यहाँ आप देखिए उन्हीं के कार्यकर्ता खुश हैं, 2-4-6 लोग जो उनका गुणगान करते हैं, फेसबुक में उनका गुणगान करते हैं, कहीं भी कार्यक्रम होगा पीछे पीछे गाड़ी ले जा करके दौड़ करके चले जाते हैं, वही लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, वही खुशी है। बाकी जो कोई भी व्यक्ति बोल देता है उनके खिलाफ या तो फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं या तो किसी मारपीट के मुकदमे में, चोरी के मुकदमे में उनको फंसा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जो भी व्यक्ति बोलता है वो चाहे सोशल मीडिया में बोल दे या कोई भी कार्यक्रम कर दे, उनको मुख्यमंत्री बनाया उनका कार्यक्रम तक कैंसिल करवा देते हैं। ये सारी राजनीति सिमरिया को दलदल बना दिया है माननीय विधायक जी हमारे के पी त्रिपाठी जी ने। अभी हाल में एक वीडियो आया जी, हमारे क्या मानते हैं? आल्हा उदल तो हमारे ख्याल से छत्री थे और बनाफर कहते हैं उनको, तो क्या ये बनाफर हैं? हमने तो सुना त्रिपाठी हैं, अभी पता नहीं बनाफर भी हो गए होंगे तो यही करेंगे। आल्हा उदल मार काट करते थे तो अब ये शुरू किए हैं सिमरिया में। आप शुरू से चलिए, आपके प्रमोद शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी के, उनको यहाँ भरे बाजार में इन्होंने मरवाया गुंडों से, उनको रीढ़ की हमें वहाँ से निकलवा दिए। हमारे साथ ही एक कुमार पांडे वो भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे, तो समित प्रबंधक के ऊपर दबाव बना करके जबरदस्ती पा रहे हो ये लोग, सरकार की राजनीति चल रही है। आपके यहाँ कटाई व्यक्ति इतना साधारण व्यक्ति, इतना शांत व्यक्ति, खड़ी धान कच्ची धान में प्रकार चलवाई गई थी, सिमरिया विधानसभा का आक्रोश व्याप्त था विधायक के खिलाफ। चले जाइए बराहा में, रमेश्वर सिंह सरपंच थे, उनके ऊपर कई मुकदमे लगवा दिए गए, उनका जो भतीजा था रोजगार सहायक था उनके ऊपर कई मुकदमे लगवा दिए गए क्योंकि उनके व्यक्ति को लाभ पहुंचे। विधायक जी का जो करीबी है, अब देखिए हम आपको और इनके चरित्र के बारे में बता रहे हैं। आप अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने उसको डाला था, ये बहुत सारे लोग डाले थे उसको, बहुत अच्छा वायरल हुआ। शराब के दुकान में ये घुस करके रे तू जैसे शब्द निकाल रहे हैं, ये किसी विधायक की भाषा नहीं है। आपको लोगों ने चुना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को घर में जाके घुस के मारने की धमकी देंगे, किसी को आप रे कहेंगे तू कहेंगे, कोई भी व्यक्ति होगा सामने आप शालीनता से बात करिए। आप विधायक हैं या आप कहीं के पार्षद या पंच हैं, सबसे पहले तो ये तय कर लेंगे। इनके पास योग्यता नहीं है, धोखे से इनको राजेंद्र शुक्ला जी ले जा करके बैठा दिए यहाँ सिमरिया में जनता के सिर के ऊपर। ये तमाशा, ये तांडव जिस प्रकार के क्षेत्र में मचा हुआ है सिमरिया में, हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भगवान करे ऐसे विधायक किसी क्षेत्र में ना आए, ना ऐसे लोगों को जनता चुने। पहले इनके बारे में जान ले फिर इसके बाद इनका चुनाव करे। कुल मिला करके आप देख सकते होंगे ये सर्प की भांति है, डस रहे हैं सबको, काट रहे हैं, जहां भी जाएंगे सिर्फ काटने के अलावा कोई काम नहीं है। इन्हीं के पार्टी के लोग परेशान हैं, इन्हीं के पार्टी के नेता परेशान हैं। आपको हम नाम किसी का नहीं लेंगे लेकिन बताना चाह रहे हैं कि किसी कार्यक्रम में इनको मुख्य अतिथि नहीं बनवाया तो उस कार्यक्रम को कैंसिल करवा दिए। आप अभी चले जाएंगे बीरखाम में, एक फाग महोत्सव होने वाला था जिसमें संजय द्विवेदी को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन इनके गुंडे जो थे वो जा करके दबाव बनाए और फिर वहाँ से संजय द्विवेदी का नाम कटवा दिए और फिर जा करके स्वयं ये मुख्य अतिथि हो गए वहाँ। जो इनकी बात, इनकी चटकारिता नहीं करेगा, बिल्कुल यही चल रहा है 3-3.5 वर्षों में, केवल यही चला है गुंडागर्दी मारपीट के अलावा सिमरिया को कुछ नहीं मिला। आप इतने दिनों से कवरेज कर रहे हैं, आप हमको एक भी ऐतिहासिक काम बता दीजिए सिमरिया में, जो भी काम हुआ सिर्फ अभय मिश्रा जी के जमाने के काम थे। जी आपके क्षेत्र में विधायक केपी त्रिपाठी हैं, कैसा उनका आतंक है, कैसा अक्सर वो धमकी देते हैं घर में घुस के मारने की, और क्या है यहाँ का माहौल? देखिए क्या है, जो उनके साथ उनकी पार्टी की सदस्यता नहीं लेता है
या जो भी उनकी नीतियों को विरोध करता है, उनकी गुंडागर्दी या उनके आदमियों का, तो उनको वो घर में घुस के मारने की धमकी देते हैं और साथ ही उनके ऊपर FIR दर्ज कराते हैं। किसी प्रकार का भी मामला हो वो सीधे FIR, 73 FIR अब तक सिमरिया थाना में जो उनका विरोध करता है, जैसे गुंडागर्दी पर उतारू हो। ये पुराने हिस्ट्री गुंडा शूटर है, आज ये विधायक बन गए हैं और सत्ता इनकी है, तो ये किसी को भी प्रताड़ित करने में नहीं चूकते हैं। किसी को कहेंगे हम खोद के गड़वा देंगे, किसी को कहेंगे हम तुमको फंसवा देंगे, किसी को ट्रांसफ़र करवा देंगे, नहीं होगा तो मरवाना चालू करवा देते हैं। बीच सभा में मंचों में कहते हैं ये कि क्या मैं घुस कर मारूँगा, मैं अलाउद्दीन का वंशज हूँ, क्या मानते हैं? यदि ये अलाउद्दीन के वंशज हैं तो उनके वंशज फिर ये ब्राह्मण क्यों कहलाते हैं? और घर में घुस के मारने वाली बात तो ये हर बार बोलते हैं। ये पूछते हैं सभा में कि क्या मैं शहाबुद्दीन, किम जोंग, कभी सद्दाम हुसैन लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों पूछते हैं ये सबसे? क्या इनको डर है? क्या बताना चाहते हैं ये? ये लोगों को अपना भय बताना चाहते हैं कि मैं शहाबुद्दीन जैसे हूँ, इसलिए ये ऐसा बोलते हैं। और नहीं, यदि कोई दूसरा नाम ले तो फिर ये चर्चित कहाँ से होंगे? इसलिए ये समाज में, सभा में, भरी सभा में लोगों के ऊपर भय, आतंक दिखाने के लिए अपने आप को शहाबुद्दीन सिद्ध करना चाहते हैं, इसीलिए पूछते रहते हैं। हाँ, इसीलिए वो सबसे अपने हर भाषण में, कहीं भी कार्यक्रम होगा तो ये कहेंगे मैं हूँ ना शहाबुद्दीन, मैं किंग जोन हूँ ना, मैं आस्तीन का सांप हूँ ना, ये सारी बातें वो लोगों को दिखाते हैं। वो ये बताते हैं कि हम अलाउद्दीन के वंशज हैं। तो भैया, फिर ब्राह्मण का तिलक क्यों लगाते हो जब आप अलाउद्दीन के वंशज हो? हम तो नहीं सुने कि आप अलाउद्दीन के वंशज हो। कहीं ककड़ेरी में अलाउद्दीन का मंदिर बना है, हम भी तो इसी क्षेत्र के हैं। और जो ये कटनहा बोलता है, ये भरोसा नहीं किसको कब काट दे। और इतना भी सैला ये व्यक्ति है कि अभी कोई यदि काला सर्प काटता, आस्तीन का सांप किसी को काटता, तो उसका जहर और बिच्छू का मंत्र भी है, उसकी दवाई भी बनी है भारत के अंदर। लेकिन ये ऐसा एक विषैला सर्प है, कलिया कटनहा, जिसका कोई मंत्र ही नहीं है। पर कितने को काटोगे? काटो, यदि आदमी बचा रह गया और इस क्षेत्र की जनता जानती है उसका परिणाम देने के लिए क्षेत्र की जनता 2023 का इंतजार कर रही है। भाई साहब, यदि मौका मिल गया और इसको यदि टिकट यहाँ से मिल गई तो इस प्रकार जनता लौटाएगी कि इसको अपने आप में ढूंढने पर वो जगह नहीं मिलेगी, गर्भ गुफा में घुसेगा। क्या लगता है, एहसास हो गया है किस तरह से विरोध हो रहा, कुछ काम नहीं? बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में विरोध हो रहा, किसी गली का में या क्षेत्र में, पंचायत में, खोर में, हर जगह इसका विरोध है। और इनने आज तक विकास की जो घड़ियां बता रहे हैं, मात्र पूर्व की, जो सरपंचों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो पूर्व के काम थे आज से 20 साल पहले, रामलखन जी, राजमणि जी, अभय जी, नीलम जी, उनके कार्यों को दिखा के, दर्शा के अपना भूमि पूजन कराना चाहते हैं। और मैं एक पंचायत, नदी के इस पर एक पंचायत की बात करता हूं कि हमको आप बता दो कि आपने 200 मीटर या 100 मीटर की रोड बनाई विकास की कार्य, इनका समय तो चला गया विरोधियों को डिस्टर्ब करने में, डसने में। ये विकास क्या करेंगे? अब 1.5 साल बचा है तो अब ये लड़ेंगे 1.5 साल में कि हम लोगों को बर्बाद करेंगे, क्षेत्र के लोगों को गड़वाने का काम करेंगे, गड्ढे में गाड़ने का काम करेंगे, दफन करेंगे, तो ये विकास की काम करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा और समय बताएगा। और क्षेत्र की जनता का इतना क्रोध है कि इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। सुना आपने, अब हम आपको सुनाते हैं राम कुमार पांडे की पीड़ा को उठाने वाले आप पार्टी के जिला अध्यक्ष और सिमरिया से पूर्व प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा को, जिन्होंने राम कुमार पांडे को उनके पुराने घर में, जो चंद्रलोक होटल के पीछे पांडे निवास है, जहां केपी त्रिपाठी ने हत्या कर अपना कार्यालय चला रहे थे, उसमें गृह प्रवेश कराने की बात कही है। सिमरिया के राम कुमार पांडे जी हैं, इनके आवास पर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी द्वारा कब्जा किया है। अभी कुछ आप लोग उसमें करने वाले हैं गृह प्रवेश, कुछ कार्यक्रम, क्या मामला है अभी, क्या करेंगे? मामला ये है कि शिवराज सिंह चौहान के विधायक सिमरिया केपी त्रिपाठी ने इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनसंघ के जन्मदाता राम कुमार पांडे जी के मकान में कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे को लेकर पिछली बार मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्षेत्र की जनता इसको जानी। अब जो है शिवराज सिंह चौहान जी से उनकी बात हुई है, भोपाल पर उनका मुलाकात होनी है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जो कि माफियाओं को हटाने का काम कर रहे हैं, तो इनके घर को जो है गृह प्रवेश का जल्द ही कार्यक्रम इनका होगा। भोपाल से शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के बाद आकर यहां पर जो है ये होना सुनिश्चित हुआ। क्षेत्र की हजारों की संख्या में जो है उस घर प्रवेश के कार्यक्रम में लोग पहुँचेंगे। विधायक एक न्यायालय में मामला था जिसमें कहा गया था कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस घर से, वो तो हरदी के रहने वाले,
इसके बाद वो कब्जा किए हैं, तो हकीकत में विधायक जी ऐसा कह रहे हैं, बाकी वहाँ नहीं रह रहे, गृह प्रवेश होगा इनका। केपी त्रिपाठी जी का ऑफिस जो कहलाता है वो वही घर है, पांडे निवास है जो पांडे जी का है। इनके द्वारा जो है आज से नहीं बहुत दिनों से अध्यक्ष जमाने में उसका कागज़ हमारे पास है, वो स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट में उनके द्वारा जब एक एक शौचालय का निर्माण किया था, बाजू में सैन्याल जो परिवार रहता है उस परिवार ने जो है आपत्ति जताई थी, उस आपत्ति पे जो है जब उनका जो है ये सारा हुआ, जब उनके ऊपर जब 50,000 का जब उनको जुर्माना लगा, उसके बाद जो है जिस प्रकार से उन्होंने लिख कर दिया वहाँ पर SDM को, तहसीलदार ने इस पर नियुक्त किया था, उन्हें बोला था कि इसको जुर्माना हुआ था, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने लिख कर दिया है कि मेरा ये घर मकान नहीं, एफिडेविट जो दिया हुआ है, अब इससे उन्होंने लिखा कि मेरा मकान नहीं पांडे जी का मकान है, इसी बात को लेकर जो है मैं कोर्ट कर रहा हूं और इसी बात को शिवराज सिंह चौहान को बताया हुआ है। विराट 24 न्यूज हमेशा दबे कुचले शोषितों की आवाज बनता रहा और आगे भी बनता रहेगा। आप सबसे मेरी यही अपील है कि समाज के पीड़ित पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने में सहयोग करें, जिससे इनका विश्वास समाज के जिम्मेदार लोगों पर बना रहे। इस खबर में इतना ही। देश और प्रदेश की अन्य छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।